और भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में संपूर्ण देश और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बहुत से उद्यमी व्यापारी किसान संगठन होने के बावजूद उद्यमियों व्यापारियों और किसान भाइयों की समस्याओं का निराकरण आज भी नहीं हो पा रहा है। अपने पूर्व के अनुभव को देखते हुए लंबे समय से विभिन्न उद्यमी व्यापारी संगठनों में काम करने के दौरान हुए अपने अनुभव को देखते हुए नया संगठन बनाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें हम सभी लोग स्वतंत्र रूप से उद्यमी व्यापारी किसान के नाम और सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए उनको शासन प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों की नज़रों में अग्रिम सम्मान दिला सकें। वहीं उन्होंने कहा कि हम सभी लोग अपने संगठन के उद्देश्य और अपने नए संगठन की जानकारी आप सभी भाइयों के माध्यम से उद्यमी व्यापारी और किसान भाइयों सहित आम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अति शीघ्र ही संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, राजधानी लखनऊ की, जिला महानगर सहित उत्तर प्रदेश के बहुत से जनपदों की कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। संगठन ने यह भी निर्णय लिया है कि हम अपने संगठन को जिला स्तर, नगर स्तर, बाजार स्तर, विज्ञान सभा स्तर और ब्लॉक स्तर, वार्ड स्तर, ग्राम सभा स्तर तक बनाने का कार्य करेंगे। विधानसभा स्तर, ब्लॉक स्तर, वार्ड स्तर, ग्राम सभा स्तर पर बनने वाला भारत देश का ये प्रथम व्यापारिक संगठन होगा। भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल ने एक व्यापार मंडल की रणनीतियों में एक नई रणनीति बनाई है। अभी तक जितने भी व्यापार मंडल देश और प्रदेश में बने हैं उन्होंने सिर्फ व्यापार मंडल की लड़ाई लड़ी है। इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि हम लोगों ने अपने संगठन का नाम भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल रखा है। जैसा कि किसान से अभी तक दोनों यूनियनों में अलग अलग संगठन हुआ करते थे और अलग अलग लड़ाई लड़ी जाती थी, लेकिन अब ऐसा हम लोग अपने संगठन के माध्यम से ये कार्य करने जा रहे हैं कि व्यापारी, उद्यमी और किसान एक मंच पे होंगे और एक मंच पे अपनी समस्याओं का निवारण कराएंगे और हम सब एकजुट होकर अपनी समस्याओं का समाधान सरकारों से करवाएंगे।